हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू गोश्त का सालन, जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी होता है और पाकिस्तान और इंडिया में ज़्यादातर इसी तरह सोंध कर, जिसे कहते हैं सोंध कर सालन चढ़ाना, उसकी रेसिपी आज मैं आपको बताऊंगी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी सारी न्यू अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। मैंने एक बड़े पतीले में 1 kg जो है बीफ ऐड किया है, और उसमें मैंने पानी ऐड किया है 3 से 4 ग्लास। आप इसमें पानी ऐड करेंगे और फिर इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे। अब मैं इसमें जो जो चीज़ें डालूंगी वो आप लोगों ने गौर से देखना है। ये ज़्यादा मुश्किल रेसिपी आती है, आसान है, लेकिन जो इसमें ग्रेवी वाला सालन बन वो बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है। वो टेस्ट आपको किसी दूसरे सालन में नहीं मिलेगा। जो चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है वो है जिंजर गार्लिक पेस्ट। हमने इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। उसके बाद मैं इसमें उनको सुखा कर फिर उनको पीसा गया है, और इसका टेस्ट जो है वो बाज़ार वाली मिर्चों से ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये मैं इसमें 1 tablespoon ऐड कर दिया है मैंने। इसके बाद जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हमारी रेसिपी का, हल्दी। हल्दी हमारे खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और इसको टर्मेरिक पाउडर भी कहते हैं, और इसके बगैर हमारा कोई खाना नहीं होता, और मुझे ये बहुत पसंद है। इस वजह से मैं 1 बड़ा चम्मच इसमें हल्दी का ऐड कर रही हूँ। इससे खाने का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इसके बाद हम इसमें अपना लास्ट स्पाइस ऐड करेंगे, जो कि है गरम मसाला। गरम मसाला मैं यहाँ पर ज़्यादा ऐड नहीं कर रही, मैंने ये 1/2 teaspoon लिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप ऐड कर देंगे तो आपके सालन का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है, तो इसलिए मैं इसमें 1/2 teaspoon जो है वो गरम मसाले का ऐड करूँगी। इसके
के बाद मैं इसमें सरसों का तेल ऐड करूंगी। आप लोग जो भी ऑयल यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं यही अपने खानों में ऐड करती हूँ। इर्ज़ा आप क्या बना रही हैं आज? आपकी मम्मा आज क्या बना रही हैं? इर्ज़ा बहुत एक्साइटेड है। तो अब हम इसे ऐड करते हैं। 1 कप मैं ऑयल इसमें ऐड करूँगी। मैं यहाँ पर अंदाजे से ऑयल ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप लोग जो है वो मेजर करके ही ऐड कीजिएगा 1 कप ऑयल। ओके, इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज की हरी मिर्च लेके उसको कट कर लिया। अब मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी और बस अब हमें इसको कवर कर देना है। कवर करके हमने इसको आधे घंटे तक या 20 मिनट्स तक इसको लो फ्लेम पर पकने देना है ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और सारे स्पाइसेस जो है वो उसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। इसको मैंने सारे मसाले ऐड करके 20 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था मीडियम फ्लेम पर। अब देख सकते हैं आप इसमें कितना प्यारा कलर आया है। सारा हमारा गोश्त भी मेल्ट हो चुका है, स्पाइसेस भी सब मिक्स हो गए हैं। ये देखिए, अभी आपको इसमें साबुत प्याज नज़र आ रही होगी लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बिलीव मी, ये सब जो है वो अच्छी तरह से घुट जाएगी। अभी सिर्फ मुझे इस पॉइंट पे चेक ये करना है कि ये गोश्त गला है या नहीं, तो मैं चेक करती हूँ। चेक करके फिर दोबारा अपनी रेसिपी की तरफ आती हूँ। ये गोश्त अच्छी तरह से गल गया है। मैंने करना ये है कि फ्लेम थोड़ा हाई करना है, इसके सारा पानी पुश करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद हम जो है इसको भूनेंगे अच्छी तरह। अब जब तक ये पानी खुश्क होगा ये प्याज बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी और अच्छी तरह से घुट जाएगी। ये देखिए, इसका इतना पानी तो खुश्क हो गया है। अभी इस स्टेप पे मैं करूँगी ये कि इसमें मैंने ये लौकी पहले से काट कर रखी हुई है तो ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी ताकि ये इसी पानी में गल भी जाए और ये खुश्क भी हो जाए। ये इसी पानी में जो है गल जाएगी। मुझे इसमें जो है वो दोबारा इसको अलग से गलाने के लिए नहीं रखना पड़ेगा, बहुत सारा पानी डाल के इसको मिक्स करते हैं। कितना प्यारा कलर आया है, कलर बहुत अच्छा लगता है और इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। ये बहुत ज़्यादा फेमस है ये रेसिपी,